हम पीर को मानते हैं अल्लाह के वास्ते, पीर के वास्ते नहीं। कौन समझ लिया आप? हम पीर के लिए, पीर को पकड़े नहीं, अल्लाह मिलता है उससे बोलते पकड़ा और मिला अल्लाह, बाप से मिला नहीं, माँ से मिला नहीं, माफ करना मदरसे से भी मिला नहीं। मदरसे की तालीम बहुत जरूरी, लेकिन पीर साहब की तालीम, मदरसे के तालीम के बाद ही पीर साहब की तालीम समझ में आती। जिसे शरीयत का इल्म नहीं आया, तरीकत का इल्म, हकीकत और मारिफत का इल्म उसे आ ही नहीं सकता, आ ही नहीं। मेरा चैलेंज है, अकायदे अहले सुन्नत व जमात से जो वाकिफ नहीं है वो हकीकत और मारिफत का इल्म का दावा करता है तो झूठा है वो। कोई पैसे नहीं, शरीयत के इल्म के बगैर हकीकत और मारिफत का इल्म आ ही नहीं सकता। इनकार करे, गैरियत हकीकिया इस्तेलाहिया, ये है शरीयत का इल्म। शरीयत का इल्म बोले तो ये गैरियत हकीकिया इस्तेलाहिया किस एतबार से है, क्या है, ये शरीयत का इल्म। बात समझ में आ रही है? तो इसके बगैर ऐनियत का इल्म, ऐनियत का इल्म नहीं है, वहदतुल वजूद नहीं है, इल्हाद है वो, इत्तेहाद है वो, हुलूल है, बकवास है। मदरसे में जो इल्म पढ़ाया जाता है वो इल्म के बगैर, उस इल्म को सीखे बगैर, जाने बगैर, माने बगैर, उसकी तस्दीक किए बगैर, उस पर यकीन किए बगैर, उसे महल यकीन में बिठाए बगैर कोई तरीकत हकीकत मारिफत का बकता है तो बकवास बकता हो। अगर उसके हाथ पर जाके बैत करेंगे तो वो विनायगर के पास तो ले जाएगा, अल्लाह के पास नहीं ले जाएगा वो। तो कुछ और बकेगा, सब्सक्राइब टू माई चैनल, कृष्णा के पास लेके चले जाएगा, वो पुलियार के पास लेके चले जाएगा, कांति भी लेके चले जाएगा, अल्लाह की बात नहीं करेगा। हाँ तो क्या अर्ज कर रहा था, ये मैं समझा सो मेरे पीर से, ये मैं समझा वो बोल रहा हूँ, गलत रहा तो बोलिए, मेरी इसलाह कीजिए आप।